हमको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। जाति गणना से क्या फ़ायदा होगा? जाति को जितना ये होना चाहिए, रिजर्वेशन वगैरह होना चाहिए, वो तो मिल ही रहा है सबको, तो एक ऊपर से जाति गणना से क्या होगा? गणना से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। पढ़ाई में सुधार होना चाहिए कि यहाँ का पढ़ाई बढ़िया हो, दूसरे काम में सुधार होना चाहिए, उसका कैसे एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें सुधार होना चाहिए। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी हैं। सर, जिस तरह से बिहार में जाति की बात की जा रही है और जातीय जनगणना को लेकर सरकार का सर मुहर भी लग गया है, सर जातीय जनगणना कराना सर बिहार राज्य के जनता के हित में सर होगा? आप लोग तो अखबार के आदमी हैं। हम ही पहला आदमी था जो इसको विरोध किए, अखबार में आया था, फिर उसके बाद उस आर्टिकल के विरोध में भी चीफ मिनिस्टर का फिर आर्टिकल आया, समझे ना। तो हमको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। जाति गणना से क्या फ़ायदा होगा? जाति को जितना ये होना चाहिए, रिजर्वेशन वगैरह होना चाहिए, वो तो मिल ही रहा है सबको, तो एक ऊपर से जाति गणना से क्या होगा? गणना से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर माने मान लीजिए कि कोई ऊपर वाले क्लास का आदमी है तो वो 100 हैं कि 1000 है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई पढ़ने वाला है? इसमें तो सब पार्टी की बैठक सर, इसमें सबसे सहमति लिया गया सर। सहमति तो लिया होगा, पार्टी के बैठक उठक से क्या होता है? चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, उनका स्टेटमेंट आ चुका है इस पर, तो उसी पर हम खिलाफ में दिए थे। इससे कोई फ़ायदा नहीं। आपका परसेंटेज वगैरह जो देना था वो दिए। पढ़ाई में सुधार होना चाहिए कि यहाँ का पढ़ाई बढ़िया हो, दूसरे काम में सुधार होना चाहिए, उसका कैसे एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें सुधार होना चाहिए। इसका असर तो सर शिक्षा पे बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा सर। ज़बरदस्त पड़ेगा, तो इसलिए शिक्षा को पर खूब सुधार कीजिए। एक ज़माने में जी पटना की पढ़ाई बहुत ही अच्छी थी, मामूली अच्छी नहीं थी। पटना साइंस कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, उससे हमसे भी थोड़ा पहले दूसरे देश से आता था सब लड़का सब पढ़ने। अब तो नहीं आता है। उसका एशिया में नाम हुआ करता था साइंस कॉलेज। तो ये क्या हो गया? जो आपको उस वक्त एशिया में नाम था, तो अब तो इस इतना दिन बाद अब तो इंडिया क्या दुनिया में नाम होना चाहिए। सर ऐसा स्थिति सर क्यों आया सर? ये लोग आया तो उस पर विचार होना चाहिए कि हमारे यहाँ और हमारे लड़का का अगर पढ़ाई अच्छी होगी जी, कोई जात का लड़का जी, तो परसेंटेज जो पढ़ने वाला बढ़ेगा तो तब उसका भविष्य बढ़िया होगा। ये खाली जाति जनगणना से फ़ायदा नहीं कुछ होने वाला। सर स्वास्थ्य को लेकर भी हमेशा यहाँ से सर पलायन होता है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लोग बिहार छोड़ करके दूसरे राज्यों में दिखवाने जाते हैं। हाँ, दिखवाने जाते हैं स्वास्थ्य का जितना। अच्छा देखिए, स्वास्थ्य का आप ठीक उठा दिए कि दिखवाने जाते। महात्मा गांधी को जो इलाज कराना था वो पटना में आते थे जी। अब पटने में इनका उनका पोती का ऑपरेशन हुआ पटने में, वो दिल्ली में नहीं हुआ, पटना में। तो पटना कभी बहुत अच्छा रहा होगा तभी ना महात्मा गांधी आ गए। नहीं अब आप सर्जरी डिपार्टमेंट, प्रोफेसर, इसकी क्वालिटी पर सबको ध्यान दे करके बहाल कीजिए, फैसिलिटीज बढ़ाइए, जो सब चीज़ का ऑपरेशन यहाँ हो सके तो यहाँ लोग आएगा, नहीं तो काहे के लिए आएगा? कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया अभी। आपको अगर दिल्ली में बढ़िया हो रहा है तो वहीं चले जाएंगे। सर आप हमेशा प्रधानमंत्री जी से मिलते रहते हैं, तो सर आप कभी शिक्षा और स्वास्थ्य को सर बेहतर करने के लिए सर हाँ बताएं बिहार को? हाँ बताएंगे, हम सोच रहे हैं कि एक बार शिक्षा स्वास्थ्य पर उनको बिहार क्या जी। बिहार कभी एक आदमी एक जगह गए तो वो उम्रदराज आदमी था, तो उनसे भेंट करनी थी। उनका इतना बड़ा लड़का था, छोटा माने चौथा पंचमा में पढ़ता होगा जी। तो वो पूछा कि बाबूजी कौन है? कहें कि इंडिया के हैं, और इंडिया में कहाँ के रहने वाले हैं? तो बोल दिए कि बिहार के रहने वाले। वो तुरंत वो लड़का कहता है कि बिहार इज ए बैकवर्ड स्टेट, समझे कि नहीं? तो हम उसको समझाए कि नहीं बुआ, बिहार इज नॉट ए बैकवर्ड स्टेट। पहले के ज़माने में बिहार वॉज द ओनली फॉरवर्ड स्टेट, ओनली। जितना राजा महाराजा यहीं का हुआ कि दूसरे जगह का था, इसके बाद बढ़ते और जगह का हुए। नहीं तो बिहार से तो सारा पॉलिटिक्स इंडिया का गाइड होता था। फिर
बाद हुए हुआ तो राजा यही कन हुआ जी, और जगह का तो नहीं, हिस्ट्री में तो नहीं है, यही का सब हुआ। और प्राचीन काल में सर जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, फिर भी सर हम शिक्षा में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, तत्शिला, हम तीसरे स्थान तक पूरे विश्व में स्थान रखते थे। और सर हमेशा शिक्षा को लेकर सर हनन होते आ रहा, बिहार राज्य में पटना विश्वविद्यालय जैसे ऐसे संस्थान को में सर रेगुलर शिक्षक की कमी है। सर शिक्षक की कमी है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ सब चीज़ उसका उसमें डेवलप करना चाहिए, वहाँ से आईएससी से शुरू करना चाहिए, एमए तक का शिक्षा कम से कम, स्कूल की शिक्षा तब बाद में आएगा, तब स्कूल की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। कि यहाँ काहे कहता है लोग कि यहाँ की शिक्षा ठीक नहीं है, काहे हिंदुस्तान भर में कहता है कि बिहार इज ए बैकवर्ड स्टेट, उसका कारण तो ढूंढना पड़ेगा ना। जिस तरह से सर जातीय जनगणना पे पक्ष और विपक्ष एक रूप में दिख रहे हैं, तो सर शिक्षा पे भी तो सर वो साथ में आकर के प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, तो मदद ले सकते हैं। शिक्षा पे को वो लोग शिक्षा का इम्पोर्टेंस नहीं देते, जातीय जनगणना से उनको ये चीज़ें पॉलिटिकल थी, है ना, जातीय जनगणना ये पॉलिटिकल मैटर, तो यहाँ पॉलिटिशियन जो है सो पॉलिटिक्स से जीता है, ये शिक्षा और पब्लिक का उससे उसको क्या मतलब है, वो लड़का पढ़े या ना पढ़े, उन लोगों का लड़का तो पढ़ेगा ही, जो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ गए उनका तो लड़का पढ़ेगा, जनरल पब्लिक को आप पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, तो उसको डिस्कस करना चाहिए। तो उसका नहीं, बिहार कैसे एक फॉरवर्ड स्टेट में आएगा, क्या तरक्की यहाँ होगी, उसका डिस्कशन करना चाहिए। हर जात में सर गरीबी दिखी जाती है सर, तो गरीबी की तो सर बात होनी चाहिए, गरीबी की बात होनी चाहिए। देखिए बिहार में इंडस्ट्री कुछ था, वो इंडस्ट्री तो चला गया यहाँ से, और इतनी दिनों की सरकार बनी अभी तक एक इंडस्ट्री नहीं बैठी यहाँ पर, काहे नहीं बैठी, तो कोशिश करना चाहिए। अगर कोई भागा जा रहा है तो उसको भी रिक्वेस्ट करके कहिए कि देखिए आइए 5 वर्ष आप कुछ कीजिए, तभी ना होगा। तो सर बीजेपी तो सर सहयोग कर रही है, सहयोग कर रही तो काम तो नहीं हो रहा है, दोनों को मिल के ऐसा तो करना चाहिए कि बिहार में कुछ इंडस्ट्री बैठे, इंडस्ट्री बैठेगा तभी कुछ आदमी का एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तभी खुशहाली आएगी यहाँ पर। लड़के हमारे बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में सब ठीक है, बिहार का लड़का सब अच्छा है, आदमी काम करता है बढ़िया से, सब काम करता है, हर लोग मेहनती, हर लोग मेहनती है बिहार के, हर लोग सब कुछ यहाँ का अच्छा है, लेकिन सुविधा तो उसको, सुविधा चाहे अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी तो उसको दीजिएगा तभी काम होगा। ये काम जो है सो लीडर लोगों का है, ये कोई पब्लिक नहीं करेगी, कोई यहाँ वो मान लीजिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है तो पब्लिक नहीं, नहीं वो तो गवर्नमेंट ने करेगी, मेडिकल कॉलेज खोलना है तो वो तो गवर्नमेंट करेगी, पब्लिक का हाथ में तो नहीं है उतना जो खोल दे। तो ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर एक फील्ड में बिहार में इसको आप उन्नति कराइए, उन्नति कराइए, चाहे कोई ये नहीं कहे कि बिहार का एजुकेशन खराब है, सब कहे कि बिहार का एजुकेशन बहुत अच्छा है। कॉलेज यहाँ है, साइंस कॉलेज का मामूली नाम था पहले, अब का है नहीं, वही कॉलेज जो था जिसमें कि समझिए कि हिंदुस्तान भर में नाम था साइंस कॉलेज पटना का, पटना कॉलेज उतना ही अच्छा था, मगध महिला कॉलेज जो है यहाँ, मगध महिला ना ना पटना वुमेन्स, हाँ पटना ई वाला, हाँ पटना वुमेन्स कॉलेज, इस सब का बहुत नाम था जी, नाम था तो फिर नाम क्यों कम हो गया, इस पर सरकार को सर ध्यान देने की जरूरत, सरकार को ध्यान देने की। बिल्कुल, सर का कहना है कि जातीय जनगणना से कोई फायदा नहीं होने वाला है बिहार में, राज्य जनता के हितों में सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। तो सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू।